और स्पाइस जेट को लेकर उनके पास है बड़ी खबर। अमरीश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर स्पाइस जेट को लेकर ये बड़ी खबर ये है कि स्पाइस जेट अपने कार्गो बिजनेस को लेकर एक बड़ा प्लान कर रहा है। आने वाले दिनों में इसके आईपीओ की भी लिस्टिंग की योजना है। फिलहाल ये वैल्यूएशन स्तर पर इनकी बातचीत है, इसमें विदेशी और देशी निवेशकों से इनकी बातचीत चल रही है और कंपनी को उम्मीद है कि लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू इनको मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ये कोशिश में है कि इस फाइनेंशियल ईयर या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इसको लिस्ट करा दिया जाए जो कार्गो बिजनेस इनका। इसके अलावा एक जो इनको डीजीसीए से परमिशन मिली थी ड्रोन्स के ट्रायल के लिए, तो ये ड्रोन्स को लेकर बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और इनकी योजना ये है कि कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जल्दी करेंगे और इसको लेकर जो इनकी प्लान है वो काफ़ी आकर्षक हैं और ये इनकी घोषणा अगले 10 दिनों में करने की बात कर रहे हैं। तो कंपनी के प्लान्स दोनों ही तरीके से कार्गो बिजनेस को लेकर काफ़ी बड़े हैं। एक तो हिस्सा बिक्री के बाद आईपीओ और आईपीओ लिस्टिंग के साथ साथ ड्रोन को इसके कारोबार में शामिल करना। ड्रोन कारोबार में शामिल करने का इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि इससे खर्च घटेगा और साथ ही कई ऐसे एरियाज जहां पर इनकी रीच नहीं है वहां पर ये रीच बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लान है कार्गो बिजनेस को लेकर स्पाइसजेट का। जी ओके। तो अमरीश आप दो तीन चीजें कह रहे हैं। पहली चीज तो है कि ये ऐलान हफ्ते 10 दिन में 2 हफ्ते में होने की तैयारी में है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि 3 डेवलपमेंट हो सकते हैं। पहला किसी इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है स्टॉक, दूसरा कार्गो बिजनेस की लिस्टिंग हो सकती है और तीसरा जो ड्रोन कारोबार में भी तेजी से उतरने की तैयारी। ये 3 बड़ी चीजें हैं, राइट? जी ओके। बार में इनको डीजीसी से परमिशन मिल चुकी है और ये जल्दी ही इसको अपने कार्गो बिजनेस का हिस्सा बना देंगे। ये अनाउंसमेंट खुद सीएमडी करेंगे अगले कुछ दिनों में। ये परमिशन इनको मिल चुकी है, ट्रायल इनका चालू है, पिछले लगभग 2 महीने से ट्रायल चालू है डिलीवरी के लिए। जी बड़ा डेवलपमेंट है सर, क्योंकि अब एयरलाइन ही नहीं बल्कि एक कार्गो कंपनी की तरह से देखेंगे, ड्रोन लॉजिस्टिक्स, हाँ लॉजिस्टिक्स बिजनेस में। और ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये आप देखिए दो तीन चीजें जो बता रहे हैं। पहला तो ये कि आईपीओ लाने के पहले हो सकता है कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ जाएं जिसकी संभावना है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात दीप ये है कि मार्केट कैप 4,700 करोड़ है स्पाइस जेट का और कार्गो बिजनेस का वैल्यूएशन अगर 10,000 करोड़, चलो 10,000 ना भी मानो, 7,000, 8,000, 5,000 भी मानो तो बाकी स्पाइस जेट तो फ्री है आपका। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। सो स्पाइस जेट का कार्गो बिजनेस अगर इतना वैल्यूएशन ले रहा है तो फिर स्पाइस जेट की रेटिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जो नए जमाने का बिजनेस ड्रोन, जिसको लेकर कौन सी वो कंपनी थी जिसने सर्किट टू सर्किट चला, जेन टेक्नोलॉजी। आप देखिए अकेली कंपनी है जो हिंदुस्तान में ड्रोन बनाने का काम करती है, तो उसमें क्या कुछ एक्शन हुआ। तो अगर ड्रोन बिजनेस के जरिए कार्गो में और लॉजिस्टिक्स में स्पाइस जेट की तैयारी है, एक चीज तो पक्की है, कुछ ना कुछ तो बड़ा एविएशन सेक्टर में हो रहा है। और हर एविएशन कंपनी अब बढ़ते हुए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक पोजीशनिंग कर रही है और ऐसा लगता है फिर इस लिहाज से स्पाइस जेट की पोजीशनिंग ये है कि हम लॉजिस्टिक्स में बड़ा काम कर लें जी, डिलीवरी का और जिस तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है देश भर में, लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए स्कोप बहुत है। ये सेक्टर दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्पाइस जेट के टॉप मैनेजमेंट से हम 11 बजे बात भी करेंगे, अजय सिंह साहब हमारे साथ होंगे भी, तब और एक अंदाजा लगेगा। लेकिन ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है कि स्पाइस जेट में 3 बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। पहले कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, उसके बाद आईपीओ की तैयारी और उसके बाद कंपनी ड्रोन बिजनेस में भी तेजी से और बड़े पैमाने पे उतरने की तैयारी में। बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन।